खेत धामी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है पीछे बार बार, वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर कोई और मुद्दे भटका रही है। बच्चों को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। अगर ये साफ है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते हैं लोग? अगर सरकार बेदाग है तो सीबीआई जांच कराए ना ये। कल देहरादून के बाद रुड़की में मेरे साथ युवा मौजूद है जिनमें अच्छा भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? लग रहा है कि सीबीआई जांच करा देगी जी? लग रहा है कि सरकार सीबीआई जांच करा देगी? सीबीआई सीबीआई बताइए, सीबीआई सरकार करा देगी सीबीआई जांच आपके लिए? कोशिश तो पूरी जारी रखेंगे मैम, जब तक ये नहीं होगा हम लगातार जारी रखेंगे सब कुछ। तो कल छात्रों पर हमला किया गया है, लाठी चार्ज की गई है, क्या कहना है आपका? मैम ये जो सरकार का रुद्र व्यवहार है ये गलत बात है, क्योंकि आंदोलन करना हमारे संवैधानिक अधिकार है और हम उसको कर सकते हैं। हम 12 फरवरी को पेपर होना है, पटवारी का क्या लगता है वो साफ सुथरे तरीके से करा दिया जाए मैम? क्योंकि जैसे कहना आपने देखा दो पेपर में ऐसे धांधली हुई है, उस वजह से हमें नहीं लगता पेपर होगा। पहले नकल कानून विरोध मैम जी, सीबीआई जांच मांग रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, दे देगी सरकार देनी पड़ेगी। अच्छा यही रुक जाइए, अरे नहीं कर रहेंगे मैडम, हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। तो 12 फरवरी को जब पटवारी का पेपर होना है, आपको लग रहा है कि वो भी साफ तरीके से करा दिया जाएगा? बिल्कुल साफ तरीके से नहीं होगा, यहाँ भ्रष्टाचार है। हर लोक सेवा आयोग जाइए, आप UKPSC जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। पहले अगर ये साफ है तो CBI जांच क्यों नहीं कराते हैं लोग? अगर सरकार बेदाग है तो CBI जांच कराए ना ये। ये क्या है कि लाठी चार्ज कर रहे हैं? हम बेरोजगार युवा 4-5 वर्षों से देहरादून हर शहर में धक्का खा रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं कोई कुछ नहीं, और कल से इन्होंने नोटिफिकेशन की लाइनें लगा दी हैं, एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अगर हम रोड जाम कर रहे हैं तो इनको समस्या हो रही है, इनकी रैलियों में रोड जाम होते हैं तो इनको समस्या नहीं होती क्या? आपके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए समस्या नहीं हो रही है सरकार को, लग रहा है आपको ऐसा? कोई भी समस्या का हल नहीं है, जो भी हो रहा है एक तरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सभी परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो 2014-15 से चल रहा है, चाहे वो AE परीक्षा हो, JE परीक्षा हो, UKSSC आबकारी परिवर्तन सिपाही, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो, सभी में भ्रष्टाचार अलग ही दिखाई दे रहा है। अगर कैंडिडेट CBI मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन सरकार कोई भी है ना बच्चों के हित में नहीं कर रही, लगातार तानाशाही चल रही है, कोई भी परीक्षा स्वच्छ और साफ नहीं हो रही है, बच्चों का भविष्य है ना बिल्कुल डुबो के रख दिया है। बच्चे 5-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। धामी सरकार में सिर्फ धांधलीबाजी देखने को मिल रही है या अभी भी धामी सरकार पर विश्वास बना हुआ है? देखिए धामी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है पीछे बार बार, वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर कोई और मुद्दे भटका रही है। बच्चों को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है क्योंकि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बच्चा पूरी अपने जीवन में इतनी मेहनत करके कुछ करने के लिए बनने के लिए तैयार कर रहा है तैयारी, और उसको बार बार इन चीज़ों का वो करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत गलत डिसीजन है सरकार जो डंडा लाठी चार्ज करा रही है उनके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, हम उसके प्रोटेस्ट में हैं बिल्कुल। भैया क्या कहना चाहेंगे? विश्वास चाहिए, पूरी CBI जांच होनी चाहिए, जब परीक्षा होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है परीक्षा होनी चाहिए।